फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा न्यू टॉपिक। देखो, सभी बच्चों ने फोर्स के बारे में पढ़ा ही है, लगभग लगभग। क्या पढ़ा है? जानते हैं, मतलब पढ़ा क्या है कि किसी को पुश करना, पुल करना, या फिर जब हम एक किसी पे अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, या तो अगर वो सॉफ्ट है तो वो मुड़ जाता है, या फिर वो हार्ड है तो वो मूव करने लगता है। अभी हमने थोड़ी देर थोड़े कुछ क्लासेस पहले थोड़ी देर पहले के कुछ क्लासेस पहले हमने मोशंस भी पढ़ा। मोशंस में हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो मूव करती है हम कहते हैं वो मोशन में है। कुछ इक्वेशंस पढ़ी हमने मोशंस की, जो कि हमारी ये थी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो घबराएंगे नहीं, उन्हें क्लास बैकअप क्लास में समझा दिया जाएगा, तो वो अभी सिर्फ ध्यान दें। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए तो क्लास में पूछ सकता है, ठीक है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दीज आर द सम इक्वेशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर मोशन। ओके, तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे फोर्स की और उनकी मोशंस के कुछ लॉ की, जो मोशंस जो है लॉ फॉलो करता है। तो देखिए, अप पुश और अप पुल। अप पुश सभी से मार्क कर लेंगे। अप पुश और अप पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फोर्स आर यूज इन ओवर डेली एवरीडे एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। या एज वी नो, इन सभी जगह फोर्स का इस्तेमाल होता है। तो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फोर्स के? देखो, मैं फोर्स के बारे में ज्यादा आपको एक्सप्लेन मतलब क्या ही करूँ। आप सभी अच्छे से जानते हैं फोर्स की, जहां जहां आप लोग अप्लाई करते हैं, आप गेट खोल रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? बैठ रहे हैं कहीं पर तब भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, पानी पी रहे हैं तब भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जब आप ग्लास को उठाते हैं। तो फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो हर जगह है। जो भी आप काम कर रहे हैं फोर्स करना ही पड़ता है। आप पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं वो भी एक फोर्स की वजह से ही लिख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते थे। तो इफेक्ट्स क्या है? यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आए हो? सर आ गया सर, मुझे ना एक डाउट पूछना था पूछिए जी, डाउट पूछिए आप, कोई दिक्कत वाली बात सर। नहीं। सर पर मैं इतना हल्का नहीं हूँ। हाँ, पता है मुझे, फिर भी मैं कर दूंगा तुम्हारी डायरेक्शन चेंज। टेंशन मत लो तुम, चाहे भारी हो कैसे भी हो। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। जो फोर्स है वो क्या करता है, चेंज कर देता है शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप को भी वो चेंज कर देता है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ बताता हूँ। जैसे आप कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते पे आपने देखा होगा क्या होता है कि जो प्लेयर होते हैं वो किक मारते हैं, तो एक तरीके से फोर्स लगाते हैं वो अपने फुट के थ्रू बॉल पे, तभी वो बॉल मूव करती है ना? तो इस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो बाईसाइकिल पर भी लगते हैं, और क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉल इंक्रीज बिकॉज द अर्थ अप्लाईज अ पुलिंग फोर्स ऑन विच इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये कुछ अलग चीज हो गई है, यानी कि हाँ, जब बॉल को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसकी स्पीड जो होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहती है नीचे जाते हुए। तो इसका रीजन ये है क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे सभी को जानते हैं आप सभी, कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो वो उस पर अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई वो नीचे की तरफ आती है। इसी तरीके से इन अ टेनिस मैच, व्हेन अ मूविंग टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट, देन द डायरेक्शन ऑफ अ टेनिस बॉल चेंजेस एंड इट गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो आपका टेनिस का रैकेट होता है वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है अकॉर्डिंगली, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? फोर्स की वजह से तो हो रही है ना? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, मोक्ष वाला, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो
इमेजिन कर लो कोई भागता हुआ आ रहा है और सामने आप खड़े हो, और लगाइए फिर खींच के उसके गाल पे, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगी, है ना। यस तो हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल इन विच अ फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा एग्जाम्पल इन विच फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं जिसमें शेप चेंज हो जाए। शेप ऑफ अ डव, वही आपका जो आटा होता है, ऑन प्रेसिंग विद अ रोलिंग पिन या बेलन, जब आप बेलन से उसको क्या करते हैं, जो देखो बेलन के जिसको इंग्लिश नहीं पता थी वो सुन ले, रोलिंग पिन, ठीक है, चपाती बनाते हैं उससे, रोलिंग पिन से। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, उस रोलिंग पिन से प्रेस करते हैं आटे को, तो जब आटे को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी शेप चेंज करता है, छोटा सा होता है वो, फैलता जाता है फैलता जाता है, और एक रोटी का आकार ले लेता है, यानी शेप ले लेता है। इसी तरीके से द शेप ऑफ नीडेड वेट क्ले, चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं, चेंजेस व्हेन अ पोर्टर कन्वर्ट्स इनटू अ पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ऐसा होता क्यों है, पोर्टर अप्लाइज फोर्स ऑन नीड वेट क्ले, द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेस व्हेन वी स्क्वीज इट बिकॉज वी अप्लाई अ फोर्स व्हाइल स्क्वीजिंग इट। यहाँ पे तीन चीजें आ गई, एक आटे वाली आ गई, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आटे, जब रोटी बनाते हैं रोलिंग पिन से आप उस पर करते हो, चिकनी मिट्टी का जब वो घड़ा, जो मतलब क्या कहते हैं, घड़े वाला घड़ा बनाता है, तो वो चिकनी मिट्टी को कैसी होती है, उल्टी सीधी शेप की, उसको इतनी अच्छी शेप देता है, घड़े की पॉट की शेप दे देता है। और जो आपकी साइकिल की ट्यूब होती है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो, मोड़ सकते हो, बस सिर्फ एक छोटी सी चीज करके, फोर्स लगा के। तो ये चीज समझ में आई आप सभी को फोर्स के बारे में। सर, ऑइंटमेंट क्या होता है? ऑइंटमेंट जिससे हम क्या करते हैं, उस चीज को बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर, अब देखिए, अ फोर्स इज अ एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है, इज इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लिया है, और स्टॉप अ मूविंग बॉडी या फिर किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दे, तो एक तरह का वो इन्फ्लुएंस होता है। और विच टेंस टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और विच टेंस टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी को अगर वो रोक रहा है, मूविंग बॉडी को, या फिर स्टेशनरी बॉडी को मूव करा रहा है, ठीक है, दूसरा है स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्लियर है आपको सभी को ये चीज। यस सर। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, अब बात करते हैं फोर्सेस कितने तरह के होते हैं। तो हमारा जो पहला फोर्स फोर्सेस है वो दो तरह के पाए जाते हैं। नॉरिस आपको क्लियर है सारी चीजें, तो यस सर। आपके जो फोर्सेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए एक्चुअली क्या है, होता क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है बॉक्स, अगर मान लीजिए आप इसको इधर मूव करा रहे हैं, तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अगर ये फोर्स ना होता, फ्रिक्शनल फोर्स, तो कभी भी हम जमीन पे सीधे नहीं खड़े हो सकते थे, ठीक है, कभी भी हम स्टैंड नहीं कर सकते स्ट्रेट, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो। तो क्या है कि जब हमने एक बॉडी को मूव कराया आगे की तरफ, तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगा जिसको हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स। अब इसी तरीके से अगर किसी बॉडी पे ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अर्थ सरफेस क्या करता है, उसके अपोजिट एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, नीचे की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन।
क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी चीज पे मारते हैं तो जितना उस चीज को हर्ट होता है उतना ही आपके हाथों में भी उतना ही पेन होगा, जितनी जोर से आपने उस ऑब्जेक्ट को या सरफेस पे मारा है। तो अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो उसके अपोजिट इक्वल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर ये वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स, फोर्स वन और फोर्स टू, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये फोर्स एंड ये फोर्स, थर्ड एंड फोर्थ फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दैट केस ये जो हमने अप्लाई किया है पुश और पुल, जो पुश किया है हमने, पुश जो हमने पुश किया है वो हमारा फोर्थ फोर्स है। तो थर्ड एंड फोर्थ फोर्स आपस में अगर इक्वल हैं, माइक बंद करो अपना, फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स आपस में इक्वल है, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो यही होती है बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन। अगर चारों डायरेक्शन में जो फोर्स जो है वो इक्वल लग रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे आपके, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। सर, और अगर दो डायरेक्शन में लग रहे हैं, दो में थी। वो भी बता दूंगा, जो चीज मैंने समझाई है वो समझ में आई है मोक्ष अभी आपको? यस सर। यस सृष्टि, आप कुछ कह रहे हो? रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? वो भी बताते हैं अभी, लेकिन रिजल्टेंट सर फोर्स एक क्यों है बात, आप? हाँ बोलो सर एक बोलो बार बोलो। आप कोई बैलेंस फोर्स का एग्जांपल दे दो। बैलेंस फोर्स का एग्जांपल दे दो। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने वो देखा है एक गेम होती है रोप वाली, यस सर, पांच चार बंदे इधर होते, पांच चार बंदे इधर होते, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर वॉर। यस, टग ऑफ वॉर। अगर वो सारे के सारे मेंबर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों इक्वल फोर्सेस लगाएंगे दोनों तरफ से, तो क्या वो रोप अपनी पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। गेम वो तभी विन होती है जब कोई अपोजिट वाला ज्यादा फोर्स लगाए, तभी वो विन कर सकता है उस गेम को, मैच को, है ना? तो जब वो विन कर जाते हैं तो वो अनबैलेंस फोर्स का अप्लाई करते हैं, अब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं और तब उससे जीत जाते हैं। और जब दोनों ही बराबरी से खेल रहे होते हैं, यानी ना इधर वाले लेफ्ट वाले इधर हिलते हैं ना राइट वाले इधर हिलते हैं, तो इन दैट केस वो बैलेंस फोर्स लग रहा है वहां पर। समझ में आई? यस सर। बाकी सभी को क्लियर है? सर। तो इसी तरीके से देखिए, सपोज यस सर। हैव, हाँ जी बोलिए। सर ने आपने पूछा ना क्लियर है कि, तो उससे यस ओके करके। ओके, आपके पास एक हैवी बॉक्स है लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लाई कर रहा है वो, तो जो फोर्स है उस पे कौन कौन से लग रहे हैं देखिए। फोर्स ओवर पुश जो हमने धक्का मारा, ये रहा है ना। अब उसके अपोजिट कौन सा फोर्स लगा? उसके अपोजिट ये वाला फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विच अपोज द फोर्स पुश डू नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव, जिसकी वजह से अगर ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे तो ये बॉक्स हिलेगा नहीं यहाँ से। अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ पुश जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लग गया, तभी वो मूवमेंट शो करेगा, अदरवाइज वो मूवमेंट शो नहीं करेगा। ओके, ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप। इसी तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द बॉक्स डाउनवर्ड, जो बॉक्स को नीचे की तरफ लाता है। इसी तरीके से एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स अपवर्ड, विच बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, या एग्जर्टेड फोर्स ऑफ रिएक्शन ही बोलो आप, और कुछ टर्म मत बोलना, सिर्फ फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलो। तो एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है जिसकी वजह से बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाता। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगा ना, तो पता है क्या होगा, ये बॉक्स नीचे की तरफ धस जाएगा, मतलब जमीन में चला जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से
क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखिए, व्हेन वी होल्ड अ सूटकेस स्टेडी एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सूटकेस इज जीरो एंड इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ओके, आपने एक सूटकेस ले रखा है हाथ में और उसको आप पकड़ के खड़े हुए हैं, तो जो अब वो आपने देखा होगा ना, वो नीचे मूव करता है ना वो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसपे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल लग रहे हैं। अब इक्वल फोर्सेस लगने की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो फोर्स लगने के बाद बावजूद भी अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसपे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। देखो जो एग्जाम्पल दिया था अभी टग ऑफ वार का, टग ऑफ वॉर दैट इज इन रोप पुलिंग बिटवीन टू टीम्स, इफ द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय टू टीम इज जीरो, द रोप डज नॉट मूव इन ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी रोप, तो द फोर्सेज एग्जर्टेड बाय द टू टीम्स आर बैलेंस। ओके, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो दोनों टीमों ने फोर्स लगाया वो बैलेंस लगाया, बैलेंस फोर्स लगाया। नेक्स्ट, इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, अगर जो नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स हैं वो बॉडी पे लग रहे हैं जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन में है, अभी क्लास जाना है मुझे, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट सेफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो जो बॉडी है वो क्या रहती है, इन इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। यानी कि अगर एक मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, मोशन में जो ऑलरेडी बॉडी है उस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी मोशन में ही रहेगी अगर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। अगर रेस्ट वाली बॉडी में लगा रहे हैं बैलेंस फोर्स, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी बैलेंस फोर्सेस कभी भी मोशन प्रोड्यूस नहीं करते स्टेशनरी बॉडी के अंदर या फिर मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं करते। They can, however, change the shape of the body. बस वो shape change कर देते हैं किसकी, body की। Example जो है balance forces के वो देख लीजिए। Squeezing of rubber ball or balloon, पहला example, यही यही के example दे रखा है इसमें। Okay? When we press a rubber ball or a balloon between our two hands, the shape of the rubber. बस ठीक है, ये है आपका एक balance force का, बाकी tug of war बता दिया मैंने आपको, और एक stationary object भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, clear है? यहाँ तक जितना समझाया सभी को समझ में आया? Yes sir. Okay. Yes Next sir. Next है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। सृष्टि, आपने मेरे से पूछा था कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस आपको मैंने बताया था, अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, नहीं बताया था, मैं आप बता देता हूँ। ओ सॉरी, हाँ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो पूछा था आपने, मान लीजिए कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब इन सारे फोर्सेस को तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, इन सारे फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं कर सकते, इन सब का हम क्या निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और वो मैक्सिमम फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डायरेक्शन, और एक रिजल्टेंट कहने का मतलब ये है, उन सब का जो एक तरीके से कंक्लूजन होता है वो क्या कहलाता है, आपका रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट का इस्तेमाल हो रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, तो फोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है,
अनबैलेंस फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ये स्टेशनरी बॉडी को मूव भी करा सकता है और मूविंग बॉडी को स्टॉप भी करा सकता है, यानी अपोजिट होता है ये किसका, बैलेंस फोर्सेस का. तो आज के लिए मैं बस इतना ही पढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं.